हज़रत हकीम बिन मुआविया रिवायत करते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, मेरे वालिद साहब ने रसूलुल्लाह से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह, बीवी का हम पर क्या हक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तू खा तो उसको भी खिला और जब तू पहने तो उसको भी पहना, किसी शरीर ज़रूरत से उसको मारे तो चेहरा पर मत मार और गाली गुफ्तार से पेश ना आ, और अगर तू किसी मसले से उसके पास लेटना बैठना या बोल चाल रखना छोड़ दे तो सिर्फ घर ही में उसे छोड़ दे, इसके अलावा जो है ना उसके साथ मोहब्बत और प्यार के साथ पेश आया कर, ये रसूलुल्लाह की नसीहत है। हज़रत आयशा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा कामिल ईमान वाले वही हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हों और जो बीवी के साथ सबसे ज़्यादा नरम मिजाज हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपनी बीवी को इस तरह ना मारे जिस तरह ग़ुलाम को मारते हैं, फिर आखिर शाम को उसके पास बैठे उठेगा तो शर्म आएगी, तो इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी को ना मारे। फ़ायदा, अगर औरत को किसी